ये थाना नागदा का वर्ष 2018 का मामला है, जिसमें एक अंधा कत्ल हुआ था। पुलिस द्वारा लगातार गंभीरता से लेते हुए इसकी विवेचना की गई और अलग अलग टीमों ने इसमें लगातार अपने प्रयास करे हैं। अब का लगभग एक वर्ष के बाद में जो वर्तमान टीम में है उसने कुछ नए साक्ष्य संकलन किए और उसके आधार पे इस घटना का खुलासा हुआ है। इस घटना में जो है मृतक के साथ जो सहकर्मी जिस क्लिनिक में वो कार्य करता था उनके द्वारा ही योजनाबद्ध तरीके से ये हत्या की गई है। इसमें मुख्य कारण ये आया है कि जो मृतक था उसकी कज़िन जो बहन है उसके साथ में एक आरोपी की बातचीत थी, जिसको लेकर दोनों के बीच लगातार विवाद होते रहता था और इस कारण आरोपी ने योजना बनाकर उसके साथी के साथ में क्लिनिक के अंदर ही हत्या करी और उसके बाद जो बॉडी है उसको बोरे में भर के हाईवे पर डिस्पोज ऑफ कर दिया। सर, ये प्रेम प्रसंग का ही मामला है, उसी कारण इसमें प्रेम प्रसंग के अलावा जो मुख्य बात सामने आ रही है कि दोनों के बीच जो विवाद होता था उसमें जहां पे क्लिनिक में कार्य करते थे और मृतक आरोपियों से अधिक कार्यकुशल होने के कारण क्लिनिक पर भी और अन्य जगह पे उसको ज़्यादा जो है अटेंशन मिलता था, इस बात को लेके भी दोनों के बीच विवाद की स्थिति बनती थी। तो ये दोनों ही मुख्य कारण हैं जिसके कारण ये घटना की गई। इसमें प्रारंभिक जो साक्ष्य पुलिस के पास आया था जिसमें ये कहानी सामने आई थी कि क्लिनिक बंद होने के पश्चात मृतक जो है एक डेयरी पर दूध लेके घर चला गया और उसके बाद ही पुलिस ने विवेचना में मुख्य जो बिंदु था कि दूध लेने के पश्चात और घर पहुंचने के पहले ही ये घटनाक्रम हुआ है। लेकिन वर्तमान टीम ने एक महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें संकलित किया जिसमें जो सीसीटीवी फुटेज क्लिनिक का था उसमें जो दूध की एक थैली उस फुटेज में दिखाई दे रही है, जिससे ये पता चला कि जो मृतक है दूध लेने के पश्चात दोबारा क्लिनिक पर आया है और उससे ही जो मुख्य संदेही थे वो सहकर्मी बन गए। सहकर्मियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम बताया गया कि किस प्रकार से उनने वापस से क्लिनिक में मृतक को ले जाकर पूरा घटनाक्रम किया और किस प्रकार से बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया।